हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। तो यूपी पुलिस भर्ती 2023 की एक ज़बरदस्त खबर या मैं कहूँ न्यू अपडेट है। वो न्यू अपडेट क्या है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट होती है यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी या काम की होगी, तो उस पर हम वीडियो लेकर आएंगे, तो चैनल पर बने रहें। तो क्या है वो न्यू अपडेट, क्या है वो न्यू ज़बरदस्त खबर, डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के जो 52,000 प्लस पद हैं, जो पोस्ट हैं, तो आज है 15 जुलाई, तो आज से टेंडर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी है। अब सीधी सी बात है, एक प्रोसीजर है, टाइम लगेगा। अब मगर आज टेंडर निकाल दिया जाता है तो 1-2 महीने में टेंडर की जो है प्रक्रिया ख़त्म होगी। सितंबर के आसपास आप विज्ञापन आ सकता है अगर टेंडर प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि पहले कंपनी आएंगी, वो अपनी एप्लीकेशन दे देंगी, कंपनी बताएंगी कि हम कराना चाहते हैं, हम कराना चाहते हैं, फिर भर्ती बोर्ड डिसीजन लेगा किस कंपनी को टेंडर देने चाहते हैं। कुछ भर्ती बोर्ड की शर्तें होती हैं जो बोलते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा प्रोसीजर चाहिए, कुछ कंपनी बोलती हैं। तो जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हो जाता है तभी कंपनी का जो टेंडर फाइनल होता है। अगर बाकी बात यह है कि जितना टेंडर लेट होगा, जितना टेंडर कंपनी लेट क्लेरिफाई होगा या एक्सेप्ट होगा, उतनी ही भर्ती लेट होगी, उतना ही नोटिफिकेशन लेट आएगा, उतना ही फिर एग्ज़ाम लेट होगा। तो जो कुल मिला के बात यह है कि जितना लेट होगा टेंडर में उतना ही भर्ती लेट होगी, उतनी जो है पूरा प्रोसेस जो है उतना ही लेट होगा। तो कुछ बोल रहे थे चैनल पे लोग, यूट्यूब पे, जिनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा इस भ्रम में ना रहें, जो लोग यूट्यूब पर भ्रम फैला रहे हैं कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन 15 जुलाई हो गई, आया नोटिफिकेशन नहीं आया ना, तो कुछ भी बक रहे हैं लोग आके, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को पता नहीं क्या यार, कुछ भी बक देते हैं। तो आज 15 जुलाई, आज से टेंडर हो रहा है और 1-1.5 महीना तो लग जाएगा यार, बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये तो एक ऑफिशियल ट्वीट आया था उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की साइड से कि उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस में जो होंगे 52,699 सिपाही के जो पद होंगे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पौराणिक बोर्ड द्वारा 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये तो ऑफिशियल ट्वीट था, 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन की बात करी जा रही थी, लेकिन जब टेंडर पास ही नहीं हुआ तो कैसे नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, कंपनी का ही फाइनल नहीं हुआ। तो ये सरासर जो है न्यूज़ जो है ये गलत है। लिखित परीक्षा के आधार पर ये तो हो गई है, लिखित परीक्षा तो होनी है, तो ये भी एक फेक न्यूज़ थी। मैं कहूँ जो बोला गया था वो बोला नहीं हुआ। दूसरा एक बड़ी बहुत अपडेट है कि एज को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है कि एज के लिए क्या होगा। देखो, जब भर्ती बोर्ड से पूछा गया था, उन्होंने कहा था एज रिलैक्सेशन में हम कोई भी छूट देने वाले नहीं हैं। उसके बाद न्यूज़ आई थी कि चयनितों में ज़्यादातर 15 वर्ष से कम ही होंगे। दूसरा, तीसरा, इस पर क्लेरिफिकेशन तभी हो जाएगा जब टेंडर पास हो जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन में तो फाइनल डिसीजन हो ही जाएगा, तो वहाँ तो जो एज का कंसर्न है या एज का जो इशू बना हुआ है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए, नोटिफिकेशन में ही जो होगा मेंशन वो ही बिल्कुल रियल होगा और ऑथेंटिक होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में ऐसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है या न्यूज़ आती है तो आपको उस वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।